knowledge park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. बसों कल्याण जेस्कॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जेस्कॉम को प्राइवेट करने पर हाथ पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया. गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को अब गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है. इसका विरोध करते हुए कुछ वक्त के लिए धरना देते हुए बसों कल्याण के जेस्कॉम डिपार्टमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट की इस सोच का विरोध किया. जेस्कॉम ऑफिस के पास सुबह लगभग 10 बजे के दरमियान जेस्कॉम के सारे अधिकारी और कर्मचारियों ने इस प्राइवेटिज्म को लेकर धरना दिया. जेस्कॉम प्राइवेट होने से गरीब किसान के अलावा सभी तरह के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. गवर्नमेंट से किसानों को मिलने वाले फ्री करंट सप्लाई, भाग्य ज्योति योजना जैसे सब्सिडी वाले स्कीम पर जल्द ही मार पड़ सकती है. गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों को भी काफी परेशानी हो सकती है कहकर ये धरना देते हुए अपने डर का इजहार कर रहे हैं. पहले नारा था कि जय जवान जय किसान, लेकिन अब जाओ जवान जाओ किसान घोषणा पर काम हो रहा है. विजन प्यू कॉलेज, कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड सीए एस्पिरेंट्स विद वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ इन बसों कल्याण. एडमिशंस आर ओपन. गवर्नमेंट से मांग की कि अपने इस फैसले को वापस लें. इस मौके पर केपीटीसीएल वर्कर सोसाइटी के तालुका प्रेसिडेंट सूर्यकांत हलीखेड़कर, ए डबल ई विश्वनाथ धरने, ए अजगर अली तलाटी बसोराज अच्छे के अलावा डिपार्टमेंट के वर्कर्स मेंबर्स लाइनमैन मौजूद रहे. केंद्र सरकार ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2003 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೆಸ್ಕಾಮ್ 5 ತಾರೀಕು ಇವತ್ತಿಂದ 5-6ರಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟುಗಳು ಹಾಸಿ 1 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕದ ಭಾರ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೊಡುಗುಗೊಳಿಸಿ ಜನವಿರೋಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಬಾರ್ದಂದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಹೊರೆ ಇಸ್ಕಾ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಿಸ್ಪೆ ಹೋಗ ಸರ್? ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಗರೀಬ್ ಜನ ಮೇಲೆ, ರೈತರ ಮೇಲೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಟಾರಿಫ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೋಬಲಿ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಸ್ಕೋ ಫಾಯ್ದಾ ಕಿಸ್ಕೋ ಹೋಗ ಸರ್? ಫಾಯ್ದಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೂ ಹೋತಾ ಹೈ, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇ ಹೋತಾ, ಅಬ್ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ನೇ ಹೋತಾ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ನಾ ಶೇರ್ಸ್ ಜೋ ಹೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋ ಭೇಜನಾ ಚಾ ರಹೀ ಹೈ. हाँ, जितना भी चाहे तो इसके अंदर कंपनी कौन से सर जो इसमें पार्टिसिपेट? इसमें गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड. हाँ सर. बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड, चामुंडेश्वर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, 3 कंपनी कर्नाटक सेट में है. थ्रू आउट इंडिया में 41 ऐसा सुनी मई कर्नाटक के 3 है. अच्छा, तो इसको चलाने वाले कौन है सर? कौन से कंपनी इसको हायर करेंगे? इसमें बिडिंग आने वाले टाटा है, रिलायंस है, टोरंट है और राजधानी विद्युत, ऐसा कुछ 10-12 कंपनी ऑल ओवर इंडिया में है. अभी नए अभी रजिस्ट्रेशन करें, इवन दो NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे. सेंट्रल यूटिलिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फार्म करे और दूसरे कंपनी भी फार्म कर रहे हैं. इवन दो जनरेशन वाले भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फार्म करके आ रहे. अगर प्राइडिंग होता है सर, अभी जो प्रेजेंट स्टाफ है तो ये स्टाफ रहेगा या स्टाफ चेंज होगा? लाइनमैन स्टाफ हो, सुपरवाइजर स्टाफ रहेगा, दूसरे क्लरिकल स्टाफ वगैरह कड़ी हो जाते, मीटर रीडर कम हो जाते. मीटर रीडर आवश्यकता नहीं रहता, स्मार्ट मीटरिंग बिठाने के बाद मीटर रीडर जरूरत नहीं. हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए.